नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के 2 दिन के दौरे पर हैं। इस बीच उन्होंने चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी। पीएम मोदी ने देश की 5वीं और दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, देश को मिली 5वीं वंदे भारत ट्रेन। पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। 500 किलोमीटर का सफर तय करेगी ये ट्रेन। चेन्नई, बेंगलुरु और मैसूर रूट पर दौड़ेगी ये ट्रेन। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने देश को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का तोहफा दिया है। पीएम मोदी ने दक्षिण भारत की पहली और देश की 5वीं वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। दरअसल पीएम मोदी बेंगलुरु में केएसआर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और चेन्नई मैसूर वंदे भारत ट्रेन की बड़ी सौगात दी। वंदे भारत ट्रेन चेन्नई, बेंगलुरु और मैसूर रूट पर दौड़ेगी। वंदे भारत इस रूट पर करीब 500 किलोमीटर का सफर तय करेगी। बता दें कि ये ट्रेन बुधवार को छोड़कर बाकी सभी दिन रूट पर दौड़ेगी। ये ट्रेन सुबह 5:50 पर चेन्नई सेंट्रल स्टेशन से रवाना होगी। दोपहर 12:20 पर ये मैसूर जंक्शन पहुंचेगी। इस दौरान ये काटपारी जंक्शन केएसआर बेंगलुरु पर रुकेगी। वहीं मैसूर जंक्शन से वंदे भारत दोपहर 1:05 पर रवाना होगी और रात 7:30 ये ट्रेन अपने गंतव्य चेन्नई सेंट्रल स्टेशन पहुंचेगी। चेन्नई सेंट्रल स्टेशन से मैसूर जंक्शन स्टेशन की दूरी करीब 500 किलोमीटर है। वंदे भारत करीब 6.5 घंटे में अपना सफर पूरा करेगी और चेन्नई से बेंगलुरु तक का सफर 4.5 घंटे में ही पूरा हो जाएगा। ये ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल सकती है। गौरतलब है कि इससे पहले 4 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जा चुकी है। देश में पहली वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी रूट पर शुरू हुई थी। दूसरी वंदे भारत ट्रेन को नई दिल्ली से कटरा रूट पर शुरू किया गया था। इसके बाद गांधीनगर मुंबई रूट पर एक और वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई और बीते महीने पीएम मोदी ने ऊना नई दिल्ली रूट पर एक और वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। दूसरी तरफ विश्व स्तरीय वंदे भारत पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित है और यात्रियों को कई आधुनिक सुविधाएं प्रदान करती है। ये ट्रेन मेक इन इंडिया का जीता जागता उदाहरण है। फिलहाल हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।